जहां एक तरफ पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगार युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भीख मांगकर बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान युवा हाथों में कटोरा लेकर नगर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में नरेंद्र मोदी के नाम पर भीख मांगते हुए दिखाई दिए। दरअसल शाहजहांपुर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन का सड़कों पर उतरकर विरोध किया। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार युवाओं को साथ में लेकर हाथों में कटोरा लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों से भीख मांगी। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने किसी को भी कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी योगी सरकार में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा बेहद परेशान है। ऐसे में युवा वर्ग का भविष्य लगातार अंधकार की ओर जा रहा है, इसलिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवक भीख मांग रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी की आंखें खुले और आगे युवा वर्ग भीख मांगने को मजबूर ना हो और सरकार युवाओं को रोजगार दे। कारण तो साफ है और बहुत बड़ा कारण है कि युवा बेरोजगार है, उसके लिए कहीं काम नहीं है। जो भी पेपर निकलता है वो लीक हो जाता है, भर्ती हो नहीं पा रही है, तो युवा वर्ग परेशान है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आगे कोई युवा भीख मांगने की नौबत पर आए, इसीलिए मैं सरकार को ये थाली बजाकर और भीख मांगकर उनके कान और उनकी आँख दोनों चीज़ खोलना चाहता हूँ कि हम लोग को रोज़गार दें। युवा वर्ग जो है परेशान घूम रहा है, उसको रोज़गार मिले। आज मोदी जी का जन्मदिन है, किस तरीके से मना रहे हैं? ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हमने भीख मांगने का काम किया है, भीख मांगकर ही ये बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं।